अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल मोबाइल्स आइडिया और मैं हूं आपका होस्ट शाह इस्लाम। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्यों मोबाइल F6 और F6 लाइट के बारे में कि अगर इनमें ये जो माइक जैक और रिंगर होते हैं इनके नीचे से प्रिंट आउट हो जाते हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं माइक की। तो ये आप देख सकते हैं इसमें यूनिवर्सल माइक लगा होता है। अगर बिलफरज इसका जो नेगेटिव पॉइंट है ये वाला डैमेज हो जाता है तो आपने यूनिवर्सल जो होगा माइक उसकी नेगेटिव वायर को इस कॉइल के साथ आपने कनेक्ट कर देना है। ये जो ब्लैक वाली कॉइल है इसके इस सिरे से आप कनेक्ट करेंगे तो आपका माइक जो है वर्क करेगा। दोस्तों अगर आपका जो पॉजिटिव पॉइंट है ये वाला डैमेज होता है तो आपने यूनिवर्सल माइक की पॉजिटिव वायर को इस कॉइल के साथ इस सिरे से कनेक्ट कर देना है, आपका माइक जो है वर्क करने लग जाएगा। सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है जैक। अगर F6 या F6 लाइट के जैक में मसला आता है, चार्जिंग बेस के नीचे से प्रिंट जो है आउट हो जाते हैं, तो दोस्तों आपने यह करना है कि इसके जो यूनिवर्सल जैक होगा जो इसके दरमियान वाले तीनों पॉइंट जो होते हैं वो डाटा पॉइंट्स होते हैं, आपने उनको रिमूव कर देना है। अगर इसका जो पॉजिटिव पॉइंट वो डैमेज है तो आपने सिंपल जहां से जम्पर उठाना है और इसकी फ्रंट साइड पर जहां पर आपको वी चार्ज का ऑप्शन मिलेगा आपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है, आपका जैक वर्क करने लग जाएगा। अगर बिलफरज इसका जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो डैमेज होता है तो आपने सिंपल एक जैम्पर वायर की मदद से जहाँ से जैम्पर उठाना है उसके जैक के पॉइंट से नेगेटिव पॉइंट से और बेशक जैक के साथ कनेक्ट कर दें जिस तरह मैंने किया हुआ है, आपका जैक जो है वो वर्क करेगा। दोस्तों थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है इसका रिंगर स्पीकर। अगर रिंगर में मसला आता है और आप चेंज करने की बात करते हैं तो नीचे से प्रिंट आउट होते हैं तो आपने सिंपल जो इसका नेगेटिव पॉइंट है उसको ये ब्लैक वाली जो कॉइल आपको नज़र आ रही है इस कॉइल के साथ आपने जैम्पर कर देना है, आपका जो रिंगर है वो वर्क करने लग जाएगा। अगर इसका नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट जो है वो डैमेज होता है तो आपने यहाँ से एक जैम्पर उठाना है और इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है, आपका जो रिंगर है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करने लग जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।